तो ये हमारी नॉर्मल माइनक्राफ्ट, और इस माइनक्राफ्ट को मैं कन्वर्ट करने वाला पैल वर्ल्ड में, क्योंकि पैल वर्ल्ड आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। मैंने सोचा क्यों ना माइनक्राफ्ट को पैल वर्ल्ड बनाया जाए और देखते हैं एंड में कैसी लगती है ये। सबसे पहले तो भाई मुझे ये था एक पोकेमॉन वाला मॉड, और उसके लिए मैंने डाउनलोड किया है पिक्सल मॉन। तो ये रहा पिक्सल मॉन, बाहर से कुछ ऐसा है, यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ इधर, और लिटिल बाय 23 मॉड्स लगे मुझे चेंज करने में। मजाक लग रहा है आपको, लेकिन सही में 23 है। अच्छा, तो ये आ चुका कुछ इसका इंटरफेस, यहाँ पे देख सकते हो पोकेमॉन चूज करने को कह रहा है, ये ले लेता हूं भाई। आ चुका मैं गेम में, और यहाँ पे भाई यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो बहुत सारे पोकेमॉन आ जाते हैं। ये कौन सा भाई? ओके, फ्लैफी है, इसको इनको मार नहीं सकता मैं। इसका क्या नाम है? टॉर्किक, पता नहीं क्या है। और ये क्या है भाई इतना छोटा सा? अरे छोटा सा भी होता है ये, क्या बात है। यहाँ पे बहुत सारे पोकेमॉन आते हैं, जितने भी पोकेमॉन के पोकेमॉन्स होते हैं मतलब कार्टून के, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक मिनी मैप भी लगाया जो कि आपको कोने में दिख रहा ही होगा। बाकी इसकी इन्वेंटरी देखें तो यहाँ पे बहुत कुछ आ जाता है। ये तो चलो नॉर्मल माइनक्राफ्ट की इन्वेंटरी होगी, बट नीचे जैसे हम जाएंगे, ओ भाई देखो यहाँ पे कितना कुछ आ जाता है। यहाँ पे ही नहीं, सबसे पहले तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी पोकेबॉल्स है भाई। इतनी सारी पोकेबॉल्स होती तो मुझे भी नहीं पता था। ये वैसे बना भी सकते हैं, देख सकते हो लिड्स भी यहाँ पे। और यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं जो कि आई थिंक पोकेमॉन्स की चीजें हैं, कि ये भी खाने का सामान है पोकेमॉन्स का। और ये पोकेमॉन से जो चीजें मिलती है वो सब है। और यहाँ पे डिस्क है कुछ, ये पोकी बैग और ये सब है। और यहाँ पे कुछ जार्स रखे हुए हैं, पता नहीं किस काम के। बाकी क्वेस्ट आइटम्स, ओ भाई साहब कितना कुछ है यहाँ पे। नीचे देख सकते हो पोकेमॉन के कार्ड्स है सब, कितने ज्यादा है भाई, देख सकते हो सब पोकेमॉन्स के कार्ड्स है ये। और भाई माचो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये यार कार्टून में तो बहुत बड़े लगते हैं, असल में बहुत छोटे से लग रहे हैं। देखो ये भी कितना छोटा सा है भाई, कितने सारे पोकेमॉन्स भाई सही में। और भाई मेन चीज तो रहेगी पोकेमॉन्स के ऊपर जो कि इसके ग्राफिक्स। सबसे पहले तो भाई मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स थोड़े वाइब्रेंट कर दिए जो कि थोड़े कलरफुल लगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आपको लग ही रहा होगा पता। अब इसके ऊपर मैं डालूंगा यहाँ पे एक टेक्सचर पैक बढ़िया सा, जो कि कुछ ऐसा लग रहा था। मेरे पास और भी है इसमें ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये रहा, देखो मैंने ये वाला इसलिए चूज किया है क्योंकि देखो पैल वर्ड जो है वो थोड़ी वाइब्रेंट गेम है, मतलब थोड़ी कलरफुल है, और ये वाला टेक्सचर बहुत ही कलरफुल है। आप देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है, तो एक रीजन ये भी था। बाकी मेरे पास तीन चार ऑप्शन है तो कोई भी लगा सकते हैं, फिलहाल के लिए इन्हीं को रहने देते हैं। और मैंने यहाँ पे विलेजेस में भी कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नहीं वैसे बहुत चेंजेस किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक डेजर्ट विलेज जो कि नॉर्मल नहीं है भाई, बहुत तगड़ी है। मैंने इसमें लगाया बेटर विलेज मोड जिससे कि विलेजेस थोड़ी एम्पलीफाइड हो जाती है। बाकी ये तो पिक्सलमोन मोड का कमाल है, बाकी जो चीजें आपको चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा एक बड़ा पोकेमॉन, और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स है, रैंडम प्लेयर्स जो चले हुए यहाँ। और यहाँ पे एक अरीना भी है, कहाँ पे गया वो अभी? जैसे तो यहीं पे था भाई, इतनी जल्दी घूम कैसे हो गया वो। वैसे इस विलेज में आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो शॉपकीपर से सामान वगैरह खरीद सकते हो, पोकेबॉल ग्रेडबॉल ये सब, वही पोकेमॉन का छोटा मोटा सामान। देख सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ सामान पड़ा है, यहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो। ये वेंडिंग मशीन पड़ी हुई है, खाने पीने का भी सामान है, क्या बात है। यहाँ देख सकते हो मैं आ चुका एक दूसरी विलेज में, और ये विलेज देखो कितनी मस्त है भाई, मतलब विलेज वाला जो मोड है वो बहुत तगड़ा है। यहाँ देख सकते हो कितनी खतरनाक करती है विलेज। और देख सकते हो ये अरीना जिसकी मैं बात कर रहा था, आई थिंक ये प्लेयर्स फाइट करने वाले हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे खड़े हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इस अरीना में मैं भी फाइट कर सकता हूँ, और विलेज तो आप देख ही सकते हो कितनी खतरनाक लग रही है। और मैंने इस गेम को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें और एनिमेशन भी डाली है, जिससे कि मेरी एनिमेशन तो वैसे चेंज नहीं होगी इतनी, बट जो प्लेयर एनिमेशन होंगी और मॉब्स एनिमेशन वो तगड़ी हो जाएंगी। यहाँ पे इनको देखोगे तो ये बहुत तगड़े तरीके से चलेंगे, देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें डाल रखा है एपिक फाइट मोड। अब जो इसमें मेन चीज थी पोकेमॉन फाइट्स के अलावा वो थी बॉस फाइट्स। बॉस फाइट्स के लिए मैंने बहुत तगड़ी चीजें डाली इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे एक्स हैं, और इनमें अलग अलग मॉब्स होंगे नए नए। यहाँ देख सकते हो तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा गोलम है भाई कोई, जो कि फ्रॉस्ट मो इसका नाम है। फिर एक ये रहा छोटा सा, पता नहीं क्या करता है। और एक लैंटर्न है ये, और ये देख लो उड़ती, अरे उड़ गया भाई ये तो। एक नागा है भाई, और ये ड्रैगन है भाई साहब, ये भी उड़ गया। फिर एक ये चीज है, ये आई थिंक, अरे भाई ये टेको आरते लड़ने लग पड़ा। एक रूस जैसा है, एक होते ना वीनस फ्लाइट ट्रैप, और एक और कहते हैं उसका, दूसरे का नाम याद नहीं है मुझे, वो है ये। फिर एक ये देख तो फेरस है, ये तो भाई लिटरली बहुत शक्तिशाली है, ये लिटरली लोहे का बना हुआ है। और इसके सामने अगर मैं इसको स्पॉन करूंगा तो दोनों लड़ने लग पड़ेंगे। और ये ड्रैगन पता नहीं कहाँ घूम रहा है, देख तो कितने सारे मॉब्स है भाई। और अभी इनसे आप लड़ोगे तो बहुत मजा आने वाला भाई आपको, देख सकते हो सारे आपस में लड़ पड़े हैं। ओ भाई साहब ये भी जाग गया, और ये जो फेरस मॉन्स्टर भाई ये भी जाग के लड़ेगा, ये देख सकते हो। अरे भाई साहब कितना खतरनाक है भाई, इतना डैमेज देती है स्नेक हिट में, बहुत तगड़ी चीज है भाई ये। अरे भाई इसको क्या हो गया? ओ भाई ये दूसरों की एनर्जी खींच रहा है भाई, बहुत ओपी है। अरे भाई साहब क्या बात है। इनके अलावा मैंने भाई और भी मॉब्स ऐड किए इसमें, यहाँ पे देख सकते हो, एनिमल से कह सकते हो इनको, वैसे आधे से ज्यादा तो खतरनाक होंगे ये शार्क वार के, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये तो बोर है, ये बियर हो गया, ये वेल होगी भाई, मतलब ये आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा तगड़ा कर देंगे। ये देख सकते हो इतनी, ओ भाई साहब यहाँ पे बहुत कुछ आ जाता है, बहुत सारे मॉब्स है, यही नहीं है यहाँ देख सकते हो, मतलब आपके थोड़े एक्सपीरियंस को तगड़ा बना देंगे, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं। अरे मेटापॉड तू यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे जा लॉल। और भाई इसमें एक और मेन चीज थी जिसकी जरूरत थी, वो थी गन्स। पहले वर्ड में गन्स होनी चाहिए भाई, बंदे बंदे कैसे पहलेंगे नहीं तो। उसके लिए मैंने डाल रखा है मिस्टर क्रेफिश गन मोड, मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं आई नो, बट बेसिक गन से इसमें, मतलब वही थोड़ी शॉर्ट असॉल्ट राइफल्स वगैरह होती है, टॉमी और ये सब, AK-47 वो भी डाल सकता हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना सिंपल ही डाले। इनको मार सकता हूँ, यहाँ देख सकते हो ये जो जैसे उड़ता उड़ता जा रहा है, इसको मैं पेल सकता हूँ इससे। यहाँ पे बहुत सारे भाई ग्रेनेड लॉन्चर भी है, देख सकते हो ये अभी भी पावर खींच रहा है भाई लोगों की। यहाँ पे बाजूका देखो भाई, पूरे तबाही मचा दी इसने तो, ओ भाई क्या बात है। यहाँ पे राइफल है देख सकते हो आप, इसको भी यूज कर सकता हूँ मैं, मतलब बहुत सारी गन्स आ जाती है इसमें, और भी एड कर सकता था बट मैंने बेसिक की रखी। हाँ भाई कहाँ भाग रहा है तू, ये ले पोनीटा। अच्छा
अरे दो शॉट में मर गया लॉल। बाकी मैंने गेम को थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें एक बेटर थर्ड पर्सन डाला है, जिससे मतलब मैं 360 डिग्री फ्रीली रोटेट कर सकता हूँ। इससे थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, रियलिस्टिक वाइब आ जाती है, देख सकते हो फ्रीली जा सकता हूँ मैं, फ्रीली रोटेट कर सकता हूँ 360 कहीं भी। वैसे तो मैंने इसमें एक शोल्डर सर्फिंग भी डाला हुआ है, बट आई थिंक वो मोड कुछ ग्लिच कर गया है। देख सकते हो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ चल नहीं रहा वो ढंग से, पता नहीं क्या ग्लिच हुआ इसका। वैसे है बढ़िया मोड ये, देख सकते हो, बट ग्लिच हो गया थोड़ा सा। ये देखो अरे भाई क्या हो रहा है भाई, अरे अरे मुंडी खिसक गई बंदे की। देखो हमने सारे मोड्स तो डाल दिए थे, अब एंड में बारी थी एक शेडर पैकेज जिससे थोड़ी और रियलिस्टिक हो जाती गेम, और उसके लिए मैंने BSL चूज किया है। अब देख सकते हो भाई गेम कितनी मस्त लग रही है, वही थोड़ी वाइब्रेंट हो जाती है और थोड़ा बहुत लैग तो होगा ही भाई क्योंकि इतने सारे मोड्स डाले मैंने हैवी। बाकी देख सकते हो कितना मस्त लग रही गेम अभी ये। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसे लगी वीडियो, और आप ये सब मोड्स यूज करके अपने वर्ल्ड में ट्राई कर सकते हो। आज के इतना काफी रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।